વડોદરા ગૃહ વિભાગના આદેશ અને સુરક્ષા સેતુના નીચે હેઠળ વડોદરા પોલીસે જિંદગી હેલ્પલાઇનની શરૂઆત કરી. પોલીસ કમિશનર ડોક્ટર શમશેરસિંહ અને હેલ્પલાઇનનો શુભારંભ કરાવ્યો. 7069944100 અને 1096 હેલ્પલાઇન બે નંબર જાહેર કર્યો. યુવાઓ અને વિદ્યાર્થીઓની સાંભળવાની પોલીસ આપી રહી છે તક. ઘરેલુ સામાજિક ફાઇનાન્શિયલ સમસ્યાના નિવારણ માટે કાર્ય કરશે. સમાજમાં હતાશા, નિરાશા, ડિપ્રેશન અને તણાવના શિકાર બનેલા લોકો માટે હેલ્પલાઇન 24 કલાક કાર્યરત રહેશે. હેલ્પલાઇન કોરોનામાં વર્ચ્યુઅલ કાઉન્સેલિંગ કરવામાં આવશે. બાંદ્રાવાલા ફાઉન્ડેશન અને એમએસ યુનિવર્સિટીમાં પણ હેલ્પલાઇનમાં મદદરૂપ થશે. નઝીર શેખ, સ્પીડ ન્યૂઝ 17, વડોદરા. આખા ભારતમાં કુખ્યાત છે, વિખ્યાત છે. બહુ લાંબા ટાઈમથી આ લોકો આ કામગીરી કરી રહ્યા હતા. આ બિલો ભરાવવાની કામગીરી છેલ્લા કેટલાક મહિનાઓથી ચાલતી હતી, પણ જ્યારે પોલીસના ધ્યાને આ વસ્તુ આવી કે રત્નાકર બેંક લિમિટેડના ક્રેડિટ કાર્ડ હોલ્ડર વારંવાર આ ગુનાના શિકાર બની રહ્યા છે, ત્યારે પોલીસ દ્વારા આમાં ઊંડી તપાસ હાથ ધરવામાં આવી. સંપૂર્ણ વિગતો હું અત્યારે શેર કરી શકતો નથી, જેથી તપાસમાં મુશ્કેલી નડે, પરંતુ એના મૂળિયા સુધી પહોંચીને આ ગેંગને તમામને નેસ્તનાબૂદ કરવામાં આવશે. થેન્ક યુ. સેલ ઓર કતાર ગામ પોલીસ સ્ટેશન કે દ્વારા ગુજરાત કે દો મુખ્ય શહેરો ઓર બાકી રાજ્યો મેં ભી ફિશિંગ કરકે સાઇબર ક્રાઇમ કા જો બનાવ બન રહા થા ઉસકા એક બડા મોડ્યુલ ક્રેક કરને મેં પોલીસ કો સફળતા મિલી હૈ. इसका मोडस ऑपरेंडी ऐसा था कि जो लोग अपना बिजली का बिल भरना चाहते हैं, उनके बिल उनसे लेके और उसके बाद इस साइबर क्राइम गैंग के जो लोग थे उनको बिल दिए जाते थे. वो बिल यहाँ से जो स्थानिक इस मॉड्यूल के मेंबर्स हैं वो झारखंड जामतारा में उनके एक सह आरोपी को भेजते थे. वो आरोपी उसके बाद फिशिंग करके रत्नाकर बैंक लिमिटेड के क्रेडिट कार्ड होल्डर्स की फिशिंग करता था. फिशिंग का तरीका ये था कि कार्ड होल्डर के पास फ़ोन आता था और उसको बताया जाता था कि मैं RBL कार्ड के ऑफिस से बोल रहा हूँ, आप अपना वेरिफिकेशन कराएं. और वेरिफिकेशन के लिए उसका कार्ड नंबर और उसका बर्थ डेट वो ले लिया जाता था. वो लेने के बाद उसको कहा जाता था कि अब दो OTP आपको मिलेंगे, वो OTP आप हमें दें तो गिफ्ट वाउचर शॉपिंग करने के लिए आपको मिलेंगे. और इसी प्रलोभन के कारण क्रेडिट कार्ड होल्डर जो हमारे सामान्य नागरिक हैं वो OTP जैसे ही क्रिमिनल्स को देते थे, क्रिमिनल्स उनके अकाउंट से किसी दूसरे का बिल पेमेंट करा देते थे. और जिसका बिल पे कराया जाता था उससे पैसे लेकर जामतारा झारखंड के आरोपी के बैंक अकाउंट में पैसा जमा करा दिया जाता था. इस तरीके से ये साइबर क्राइम किया जा रहा था, जिसमें कुल मिला के 2113 लोगों के बिल की पेमेंट गुजरात से हुई, पंजाब से 113 नागरिकों के बिल पे किए गए, हरियाणा से 11, राजस्थान से 5 और यूपी से 2, महाराष्ट्र से 1. और इस तरीके से जिनके बिल पेमेंट किए जाते थे उनसे पैसे लेकर क्रिमिनल्स के जो बैंक अकाउंट्स थे, जिन बैंक अकाउंट्स को वो लोग यूज़ कर रहे थे, ऐसे 115 अकाउंट्स के बारे में हमें जानने को मिला
जिसमें कुल 59,93,000 यानी करीब 60 लाख रुपया फ्रीज कराने में पुलिस को सहायता मिली है, सफलता मिली है। इस तरह के गुनाह के 4 क्राइम्स सूरत में रजिस्टर हुए हैं। एक गुनाह साइबर सेल पुलिस स्टेशन अहमदाबाद में रजिस्टर हुआ है, जो आरोपी अटक किए गए हैं वो उनके नाम है मनीष देवराज भुआ, ये सूरत से है। दूसरा यश भरत भाई भूपतानी, मिलन हरसुख भाई चौवटिया। इन तीनों के ऊपर जो आदमी डायरेक्ट झारखंड के साथ संपर्क में होता था उसका नाम है वीरभद्र सिंह धर्मेंद्र सिंह झाला, और इन लोगों के पास से कुल 8 लाख रुपया अभी तक पुलिस ने बरामद किया है। 6 मोबाइल फ़ोन इनके पास से लिए गए हैं। बाकी झारखंड के और जो आरोपी इसमें इन्वॉल्व थे, यहाँ के भी यदि कोई और आरोपी इन्वॉल्व थे, उन सभी की पूछपरछ और तपास का काम अभी चल रहा है। तो साइबर टीम ने, कतारगाम पुलिस ने एडिशनल सीपी क्राइम और डीसीपी क्राइम की मार्गदर्शन में जो काम किया, ख़ास तौर पे यंग एसीपी साइबर सेल श्री युवराज गोहिल ने जो काम किया, कतारगाम पीआई ने काम किया, साइबर सेल पीआई टीआर चौधरी ने काम किया, पीएसआई आहिर ने काम किया, तो इस टीम ने बहुत अच्छा काम किया है और दिस टीम विल बी सूटेबली रिवार्डेड। इस तरीके से फिशिंग करके जो पूरे देश में बार बार जामतारा का नाम आता था और वहाँ के आरोपियों को पकड़ना भी काफ़ी कठिन होता था, लेकिन पुलिस ने लगातार लंबा ऑपरेशन करके यहाँ से टीम गई और वहाँ से जितेंद्र मंडल नाम के आरोपी को अरेस्ट करने में सफलता मिली। जो आरोपी अटक किए गए हैं उनकी अभी आगे पूछताछ की जाएगी। आपके मार्फत मैं सभी नागरिकों से भी रिक्वेस्ट करूंगा कि यदि और कोई भी इस तरह की चीटिंग का शिकार हुआ है तो सबसे पहली बात है कि उनको सावधान रहने की ज़रूरत है। आपका क्रेडिट कार्ड नंबर, आपका डेट ऑफ बर्थ, आपके फ़ोन पे आए ओटीपी कोई भी आदमी यदि मांगता है तो वो गलत है। किसी से भी कोई ओटीपी शेयर ना करें। अपने बैंक की, अपने कार्ड की डिटेल फ़ोन पे किसी के साथ भी शेयर ना करें। बाकी यदि किसी और भी नागरिक को इस तरह की चीटिंग का शिकार बनना पड़ा है तो वो साइबर सेल से कांटेक्ट कर सकते हैं, पूरी पूरी उनकी मदद करने का हम प्रयास करेंगे। धन्यवाद। कतारगाम पुलिस अने क्राइम ब्रांचना अधिकारियों मळीने अहमदाबाद साइबर टीम नी साथे संकलन करीने एक मोटी सफलता मळी छे। लगभग समस्त भारतवर्ष में छेला घणा समय थी जामताराना गुनेगारों द्वारा फिशिंग मार्फते लोकोनी चीटिंग अने फ्रॉड नी एक गुनाहित प्रवृत्ति ध्याने आवेली हती। आज ए मॉड्यूल ब्रेक करवामां सूरत सिटी पुलिस ने सफलता मळी छे। आमा जुदा जुदा नागरिकोना इलेक्ट्रिसिटी बिल लई अने आ बिल भरवा माटे बीजा सामान्य नागरिकों ने फिशिंग मार्फते बोलवी, बीजा लोकोना एकाउंट माथी आ बिल भरावी, जेना बिल भराना एने पासे थी पैसा मेलवी अने आ पैसा झारखंड खातेना गुनेगारों एकाउंट में जमा करावी, आ प्रकारनी एक गुनाहित गैंगना पर्दाफाश करवामां पुलिस ने सफलता मळी आवेल छे। एवी रीते निर्दोष नागरिकोना एकाउंट माथी बीजाना बिल भरावीने एना पैसा पड़ावती आ गैंगने पकड़वामां जे सफलता मळी छे, आमां
मुख्य जे तोमतदार पकड़ाना है आ जामतारा झारखंड रहवासी है। एनो नाम है जितेंद्र उर्फे राहुल सन ऑफ टेकलाल मंडल गाम पंदनिया अहिल्यापुर जिला गिरिडीह झारखंड। एनी साथे जे स्थानिक मुख्य मणस इन्वॉल्व था एनो नाम है वीरभद्र सिंह धर्मेंद्र सिंह झाला। आ जूनी पुलिस लाइन नवापरा भावनगर अने मूल सुरेन्द्रनगर ना छे। बीजा मेहुल जवेर भाई काकड़िया आ ज्ञान प्रवाह अपार्टमेंट सिंगणपुर कतार गाम में रहे छे। त्रीजो यश भरत भाई भूपताणी आ स्टार पैलेस कृष्णा रेसिडेंसी नजीक अमरोली में रहे छे। एनी साथे साथे मनीष देवराज भाई भुआ जे कतार गामना छे अने मिलन हरसुख भाई चोवटिया आ पण कतार गामनो छे। आ तमाम तोमतदारों ने पकड़ी लेवामां आया छे। आ तपास दरमियान अत्यार सुधी जाणवा मळी छे के कुल 2245 वीज बिल ना 3,67,00,000 रुपया भरावामां आया छे अने आमांथी गुजरातना 2,113 बिलो, पंजाबना 113, हरियाणाना 11, राजस्थानना 5, उत्तर प्रदेशना 2 अने महाराष्ट्रना 1 आ बिल भरावीने जे 115 खातामां आ बिलोनी रकम जे चीटिंगथी मेळवता हता आ जमा करवामां आवती हती एवा 115 एकाउंटमां 59,93,046 रुपया फ्रीज करवामां आवेल छे अने आगळनी तपास चाले छे। आ प्रकारनी चीटिंगना सूरत शहेरमां 4 गुनाओ रजिस्टर करवामां आया छे। एक गुना साइबर सेल अहमदाबाद खाते रजिस्टर करवामां आया छे। आ कामगीरी साइबर सेल टीम कतार गाम पुलिस अने क्राइम ब्रांचना अधिकारीओना सुपरविजन हेठळ करवामां आवी छे। मने संपूर्ण विश्वास छे के आपना मार्फते आ मैसेज तमाम नागरिकों सुधी पहोंचशे जेथी कोई पण फोन कॉल आवे अने तमारा क्रेडिट कार्ड नंबर के तमारा बैंक अकाउंट नंबर कोई मांगे, तमारा डेट ऑफ बर्थ मांगे, आ प्रकारनी कोई खराई कोई बैंक टेलिफोन कॉल करीने करतो नथी। कोई ओटीपी नंबर तमारा फोन ऊपर आवे के कोई एसएमएस आवे आ बीजा कोईने आपवाना नहीं, कोईने फॉरवर्ड करवाना रहता नथी। आ तकेदारी लेवानी जरूर छे। जे तोमतदारो अटक करवामां आया छे एनी आगळनी पूछपरछ हाथ धरवामां आवी रही छे अने मने संपूर्ण विश्वास छे के सूरत अने गुजरातना नागरिकोने आ गुनाओथी बचाववामां पुलिसने भविष्यमां पण सफलता मळशे। धन्यवाद।